राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी पर बीजेपी नेता टीराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिसने भी सुखदेव की हत्या की हो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को जांच करनी चाहिए कि हत्या के पीछे पीएफआई और आईएसआई की साजिश तो नहीं है। राजा सिंह ने कहा, अभी दुखद समाचार मिला है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी जो कि राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष थे, किसी ने उनके घर में घुसकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। क्या यह पीएफआई की साजिश है या आईएसआई की साजिश? उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह का एक ही लक्ष्य था कि गो हत्या पर प्रतिबंध हो। वह एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति थे। इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा, मेरी भाषा में गोली का जवाब गोली से ही देना चाहिए। अगर राजस्थान में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना है तो वहां योगी के स्टाइल में काम करना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुखदेव सिंह की मौत की हैरानी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के समाचार से स्तब्ध हूं। इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक सुखदेव सिंह के घर में कूदकर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। इस दौरान सुखदेव सिंह गोगा मेडी और उनके गैंगमैन नरेंद्र को बदमाशों ने गोली मार दी। जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोफसे ने इसकी पुष्टि की है। इस घटना में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। श्यामनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी की पड़ताल में जुट गई है और ये घटना श्यामनगर में दाना पानी रेस्टोरेंट के पीछे की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीटीवी भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।